दरभंगा में शराब माफियाओं की सूचना देना ग्रामीणों को भारी पड़ गया। बड़ी खबर बता रहे हैं, मोरू थाना क्षेत्र के माधोपुर गांव के लोगों में दहशत का माहौल बताया जा रहा है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, स्थानीय लोगों ने मद्य निषेध विभाग को तस्करों की सूचना दी और यही उनके लिए काल बन गया। बड़ी खबर, माधोपुर सरपंच पति मोहन मिश्रा ने दी थी विभाग को सूचना, संबंधित विभाग को उन्होंने सूचना दी और इसके बाद कहर बरपा है शराब माफियाओं का। मोरू थाना से कार्रवाई नहीं होने पर विभाग को दी थी सूचना और वैसे में सूचना के बाद विभाग ने कार्रवाई में पकड़ा था ट्रक। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे, दरभंगा में अब सूचना देने वाले लोगों में पर हो गई है FIR, सरपंच के पति का बयान। सूचना देने वाले लोगों के घर पुलिस कर रही छापेमारी, सरपंच पति का बयान। दरभंगा में शराब माफियाओं की सूचना देना ग्रामीणों को भारी पड़ गया। बड़ी खबर बता रहे हम आपको, मोरू थाना क्षेत्र के माधोपुर गांव के लोगों में दहशत का माहौल है। स्थानीय लोगों ने मद्य निषेध विभाग को तस्करों की सूचना दी थी और यही उनके लिए काल बन गया। माधोपुर सरपंच पति मोहन मिश्रा ने विभाग को सूचना दी। बड़ी खबर हम आपको बता रहे, दरभंगा की मोरू थाना से कार्रवाई नहीं होने पर विभाग को दी थी सूचना। खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ सहयोगी धीरेन्द्र लाइव चैट पे जुड़े हुए हैं। धीरेन्द्र, बिहार में एक तरफ विभाग कहती है कि जहां शराब माफिया मिले हमें बताएं, हम कार्रवाई करेंगे, जब बताया जाता है तो उन पर ही अत्याचार होता है। बिल्कुल ऋतिक, जिस तरीके से पुलिस दम्भ भर रही है कि सफल जो है हम कार्रवाई कर रहे हैं शराब तस्करों पर, लेकिन एक तरफ शराब तस्करों पर कार्रवाई करने की बात की जा रही है लेकिन वहीं गांव के सूचना देने के बाद भी थाना कोई कार्रवाई नहीं करती है। इसके बाद गांव के लोग जो हैं मद्य निषेध उत्पाद विभाग को सूचना देते हैं और उसके बाद उत्पाद विभाग कार्रवाई करती है और एक कार्रवाई जो है रात्रि में करती है। इसके बाद जो है शराब तस्कर पकड़े भी जाते हैं और उनके साथ साथ गाड़ियाँ भी पकड़ी जाती है, लेकिन कुछ जो तस्कर हैं वो वहाँ से भागने में सफल हो जाते हैं, लेकिन वो भागते हैं गांव की ओर, जहाँ पर जिस गांव के लोगों ने शराब माफियाओं के विरोध में सूचना दी थी उत्पाद विभाग को, उसी गांव में वो शराब तस्कर भागते हैं, लेकिन जो शराब तस्कर हैं वो गाँव द्वारा पकड़े जाते हैं और ग्रामीण जो है उन्हें पकड़ कर रखते हैं और उसके बाद थाना को सुना देते हैं। जो थाना है वो घंटों बाद आती है, लेकिन वो जो तस्कर हैं उनके शराब में कार्रवाई नहीं करती है। जो शराब तस्कर को पकड़ते हैं ग्रामीण, उनके विरोध में FIR दर्ज करती है, लेकिन जो ग्रामीण हैं वो बहुत परेशान अभी दिख रहे हैं, इसलिए कि जो कार्रवाई शराब माफियाओं पे करनी चाहिए थी लेकिन वो शराब माफियाओं के यहाँ पर जानकारी देना ही गुनाह है। अगर आप जानकारी दे रहे हैं संबंधित विभाग को तो यही सबसे बड़ा गुनाह है और यही गांव वालों ने ग्रामीणों ने किया, बावजूद इसके FIR उन पर दर्ज होगी जैसा आपका बताना है। लगातार जो अगर बात करें तो मद्य निषेध विभाग के मंत्री सुनील कुमार ने भी कहा था कि अगर आपको आपके आसपास के इलाके में शराब माफियाओं के होने की सूचना मिलती है, शराब की तस्करी की जानकारी मिलती है तो तुरंत संबंधित विभाग को इसकी जानकारी दे। बावजूद इसके दरभंगा में ऐसा किया गया लेकिन उल्टा FIR उन ग्रामीणों पर ही हो गया जिन्होंने जानकारी दी। बिल्कुल, तो ये बयान आखिर क्यों, जब हम संबंधित तस्करों पर कार्रवाई नहीं कर सकते तो फिर इस तरीके से बात रखना कहां तक जायज है। अब आपको वो बयान हम सुनाते हैं तमाम दर्शकों को इस मामले पे। हम ही लोग सूचना करवाए थे जिला जी को, थाना अध्यक्ष को कोई सूचना नहीं दिया गया था। इससे पहले हम 4-5 बार उनको सूचना दिए, इस पर कोई सुनवाई नहीं लिए, चूंकि पैसा लेकर के दारू बेचवाने का काम करते थे। हम लोग गुप्त रूप से 10 आदमी मिल करके जिला टीम को सूचना करके यहाँ से सूचना किए जो ट्रक आ गया, इसको आकर के छापामारी कीजिए, तो जिला से आकर के पुलिस इसको उठा करके ले गई।